लंकेश का दहन होने में अभी एक दिन बाकी है, लेकिन लंकेश के दहन की तैयारियों में कारीगर जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। अपने परिवार के साथ तरह तरह के आकर्षक पुतले बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिल सके, लेकिन जीएसटी के बाद इन कारीगरों पर भी महंगाई की भारी मार पड़ती दिखाई दे रही है। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड से सड़क के किनारे लंकेश के पुतले बनाते दिखाई दे रहे इन कारीगरों की माने तो वे अपने परिवार की परंपरा को बनाए रखने तथा अपने बच्चों का पेट भरने के उद्देश्य से वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। 10 से 60 फुट तक के पुतले बनाने वाले इन कारीगरों का कहना है कि महंगाई के कारण लंकेश का कद भी घटता जा रहा है और वे अधिक दामों पर छोटे कद के पुतले बनाने को विवश हैं। वर्षों से अपनी कला के माध्यम से पुतले तैयार करने के बावजूद उन्हें सरकार व प्रशासन की ओर से आज तक कोई मदद नहीं मिल सकी। गोपाल कितने साल से करते हैं काम? ये मेरे को 8 साल हो गए कर रहे काम। पहले करते थे हमारे बुजुर्ग करते थे, और बुजुर्ग के बाद मेरा फिर हमने छाड़ के रहा। मैं जो 4 साल से कर रहा हूँ। तो कितने राउंड बिक जाते हैं ये मान लो कि हमारे मतलब मैंने मतलब बिक जाते हैं कभी किसी के 10, किसी का 8, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 15 ऐसे बिक जाते हैं। तो अभी कितने कितने लंबे रावण बना रखे हैं? रावण कम से कम हमारा कम से कम मतलब 60 फुट का रावण है। 60 फुट तक का रावण बनाया हमने एक रावण। तो कितने प्राइस क्या रहते हैं? तो वो 60 फुट की रावण की प्राइस मान लो अब 20,000 रुपए। क्या नाम है? सुविता। क्या किस तरह से बनाते हैं? ये 8-9 साल से बनाते हैं। पहले मेरे पापा बनाते थे, वो एक्सपायर हो गए, फिर हमने बनाना शुरू कराई। हम ही बनाते हैं, 10,000 का भी, 20,000 का भी है, 60 फुट का भी है, ऐसे बनाते हैं। जब सीजन आता जब ही मतलब मार्केट के अंदर बनाते पंजाबी धर्मशाला पास। एक किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं इसमें रावण बनाने में? रावण बनाने में किन किन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? ये बांस लगता है, कागज लगता है, इनकी एक एक खपंच बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। रात दिन एक हो जाता है जब ये रावण बनाते हैं। तो ये लाई जो चिपकाते हो किससे तैयार की जाती है? ये लाई किससे तैयार करते हो चिपकाने वाली? ये मैदा लगता है, मैदा से गोल बनाकर जब आग जलाकर जब हम तैयार करते रात दिन। मेरा नाम राहुल है। तो राहुल कब से ये काम कर रहे हैं? ये हमारा पुश्तैनी काम है, काफी साल हो गए काम करते हुए। हमें इस काम में बचत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। और इसमें काफी मार्जिन जो काफी लगता है, इस बार थोड़ी महंगाई ज्यादा हो गई है, इसलिए हमारा जो पहले जो बचत हो जाए करती थी अब वो नहीं होती। तो महंगाई से फर्क पड़ा है? महंगाई से काफी फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही ये काम करते हुए आए हैं।